शुरू करेंगे दोस्तों इस वीडियो को और बात करेंगे सिप्ला लिमिटेड के बारे में। मेडिकल यानी कि फार्मा से रिलेटेड दोस्तों ये कंपनी है और अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है 10.39 का, यानी कि 1,039 रुपये का करंट प्राइस इसका चल रहा है। 23 रुपये की गिरावट इसमें हमें देखने को मिली है, ठीक है, 2% की ये गिरावट है कल के दिन। और बात करें दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसके Q3 के नंबर्स के बारे में। उसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो पिछले 5 दिन में आपको पता चलेगा कि 25 रुपये की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 1 महीने में देखें तो 56 रुपये की गिरावट, 5% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 6 महीने में देखें तो आपको 6-7% का प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा। इस बीच जो है कंपनी ने 1173 रुपये का अपना हाई हमें जो है लगते हुए देखने को मिला है, और लो की बात करें तो 974 रुपये का जो है लो कंपनी का देखने को मिला है। वहीं अगर 1 साल के चार्ट पर डिस्कस करें तो 12% का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। लो की अगर बात करें तो 895 रुपये का एक लो देखने को मिलेगा, और हाई की बात करें तो वही 1173 रुपये का हाई हमें देखने को इस बीच में मिलेगा। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 78% का प्रॉफिट हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है। कंपनी की ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ कंपनी की स्लो रहती है, आप चार्ट में मोमेंटम देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कंपनी की ग्रोथ स्लो थी, फिर थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, और फिर से जो है हमें कंपनी की ग्रोथ यहाँ पे स्लो देखने को मिलती है। ज़्यादा मूवमेंट कंपनी का नहीं रहता है, 5 साल में काफ़ी स्लो मूवमेंट इसकी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी मार्केट में और दूसरी कंपनी है काफ़ी ज़्यादा उनको 200% 300% प्रॉफिट आपको अभी के समय में भी कुछ कंपनियों का देखने को मिल रहा होगा। हालांकि कंपनी दोस्तों फिर भी मैं कहूँगा कंपनी जो है शानदार है, एक स्लो मोमेंटम के साथ आपको चार्ट में बहुत ही कम जो है दोस्तों डाउनवर्ड चीज़ें देखने को मिलेंगी, करेक्शन बहुत कम देखने को मिलेंगे। कुछ खास मौकों पे ही, जैसे ये 2020 का ओकेजन कोविड का, वहाँ पे जो है करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद से भी देखें तो कंपनी जो है स्लोली स्लोली जो है ऊपर की तरफ जाती हुई हमें देखने को मिलेगी। तो इसके दोस्तों जो भी Q3 के नंबर्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको पता चलेगा अगर आप आर्टिकल को पढ़ें, सिप्ला Q3 रिजल्ट, प्रॉफिट राइजेस 10% Y-on-Y टू RS 801 करोड़, रिवेन्यू अप 6%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इनका जो है प्रॉफिट राइज हुआ है 10% और रिवेन्यू राइज हुआ है 6%, प्रॉफिट बढ़ के जो है 801 करोड़ हो गया है Y-on-Y पे, ये जो है 10% का अब हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिवेन्यू वर एडेड बाई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन US बिजनेस सपोर्टेड बाई सस्टेन ट्रैक्शन इन इंडियन बिजनेस, ठीक है। तो US बिजनेस और इंडियन बिजनेस दोनों की तरफ से जो है रिवेन्यू में जो है पैसा इनका बढ़ता हुआ हमें नज़र आया है। तो दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी को इनका जो है Q3 के नंबर्स अनाउंस हुए हैं। उसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 801 करोड़ का है, पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर देखें 729 करोड़ का हमें देखने को मिला था, ठीक है, वहाँ से 10% का आप हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा Q2 2023 में अगर देखें, यानी कि इससे पुराने वाले क्वार्टर में, तो 789 करोड़ का प्रॉफिट वहाँ से भी हमें जो है दोस्तों बढ़ते हुए नज़र जो है नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो रिवेन्यू जो है बढ़ता हुआ नज़र आया 6% के बाद, और बढ़ के जो है 5,801 करोड़ हमें देखने को मिला है। और ये कंपेयर अगर हम करें दिसंबर 2021 के क्वार्टर से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5,479, यानी कि वहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आया। लेकिन अगर एक आप नज़र मारें यहाँ पे Q2 फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी कि सितंबर 2022 का जो डेटा है उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट 28 करोड़ हमें जो है दोस्तों गिरते हुए नज़र आया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ इसमें मुझे निगेटिव देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी का जो भी ओवरऑल तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है कंपनी की, लेकिन यहाँ पे जो है पिछले क्वार्टर से 28 करोड़, ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन 28 करोड़ की गिरावट पिछले क्वार्टर से हमें देखने को मिल रही है। और किसी भी शेयर को करेक्ट होने के लिए इतनी न्यूज काफ़ी होती है उसमें जो है इन्वेस्टर की सेलिंग होने के लिए, ठीक है। तो हालांकि दोस्तों ज़्यादा बड़ी सेलिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी इस शेयर में, फिर भी जो है जो भी छोटी छोटी चीज़ों पर काफ़ी बड़े जो इशू शेयर मार्केट में खड़े होते हुए हमें जो है देखने को मिलते हैं। कंपनी की सॉलिड एक परफॉर्मेंस रहा है, तो जो भी इन्वेस्टर इस शेयर में कंटिन्यू अपना कर रहे हैं एक स्लो मतलब एक तरह से, तो वो जो है इस कंपनी में कंटिन्यू कर सकते हैं। स्लो ग्रोथ है कंपनी की, लेकिन साथ ही जो है आपको देखने को मिलेगा कि शेयर में वॉलेटिलिटी काफ़ी कम है, यानी गिरावट आपको शेयर में काफ़ी कम देखने को मिलती है। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो हाईली वॉलेटाइल कंपनियां होती हैं उनमें, और कुछ होते हैं जो धीरे धीरे अपना जो है आगे बढ़ती रहें, जैसे कि सिप्ला हो गई, ठीक है, और या फिर ITC हो गई, ठीक है, और कोल इंडिया एक फेमस एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, और HUL भी उस तरह की कुछ कंपनियाँ जो धीरे धीरे जो है अपना आगे बढ़ती हुई हमें नज़र आती हैं, और काफ़ी कम गिरावट उन शेयर में हमें नज़र जो है आती है। तो जो भी इन्वेस्टर हैं आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं इस शेयर में, कोई भी दिक्कत वाली परेशानी वाली कोई शेयर में बात नहीं है।